देखो जुजुत्सु काइज़न के अंदर सुकुना वन ऑफ द मेन एंटेगनिस्ट है। इसी के साथ साथ ये बंदा जुजुत्सु काइज़न के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी है और काफी ज्यादा कूल भी है। वैसे देखो पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने अटैक ऑन टाइटन के बारे में काफी ज्यादा बात करी, जिसके ऊपर मेरा कुछ खास रिस्पॉन्स मिला नहीं मुझे। और उससे पहले भी हम लोगों ने सुकुना की पावर्स के ऊपर बात करी थी, उस पर तो तुम लोगों ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से सुकुना के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को सुकुना के बारे में 9 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आज तक किसी को भी ढंग से नहीं पता। सुकुना के बारे में ये 9 चीजें ऐसी हैं जो आज तक एक मिस्ट्री बनकर रह चुकी। सुकुना के बारे में ये जो 9 सवाल है, इनके जवाब लिटरली किसी को नहीं पता पूरी तरीके से। लोग सिर्फ अपनी थ्योरीज लगा सकते हैं, 90% श्योर हो सकते हैं, लेकिन 100% कोई भी नहीं। तो वेल, मैं इसलिए तुम लोग को कह रहा हूँ कि ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, और अपनी क्लास में जाके फ्लैक्स भी मार लेना कि मुझे सुकुना के बारे में वो चीजें पता है जो तुम लोग को नहीं पता होंगी। तो देखो, नंबर 9 पे बात आती है कि सुकुना के पास जो क्लीव और डिसमेंटल टेक्निक है, उसका आखिर ओरिजिन क्या है। तो देखो, एनिमे के अंदर भी हम लोग को ये क्लीव और डिसमेंटल टेक्निक सुकुना की दिखाई जा चुकी है। उसने सीजन 1 के अंदर इस चीज काफी अच्छे से यूज किया था, जिसमें वो फिंगर बेयरर को बिल्कुल काफी ज्यादा जगहों से काट देता है बहुत बुरी तरीके से। एंड थोड़े से अगर मैं स्पॉइलर दूं, तो इसी टेक्निक की वजह से उसने गोजो सातोरू को बीच में से आधा किया था किटकैट की तरह। देखने में तो ये इसकी टेक्निक काफी ज्यादा कूल लगती है, काफी ज्यादा अमेजिंग लगती है और काफी ज्यादा पावरफुल है भी ये टेक्निक। लेकिन क्या तुम लोग को पता है कि आज तक किसी को भी जुजुत्सु काइज़न के अंदर इसका ओरिजिन नहीं पता। सुकुना के पास काफी सारी पावर्स है, उनमें से क्लीव और डिसमेंटल ऐसा कहा जाता है कि इसकी इननेट टेक्निक्स हैं, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि इसकी इननेट टेक्निक ये सच में है भी या नहीं। और अगर सच में इसकी इन्हें टेक्निक है तो ये आई कहां से, किसी को भी आज तक डिसमेंटल और क्लीव के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता। यहां तक कि ये भी नहीं पता कि ये टेक्निक काम कैसे करती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सुकुना, तुम लोग को पता ही होगा कि ये कर्स्ड स्पिरिट है। और शायद तुम में से कुछ लोगों को ये भी पता होगा कि सुकुना अपना जो टाइम था, गोल्डन जो एज चल रही थी जुजुत्सु की, उसमें एक ह्यूमन भी था। जेजेके के अंदर सुकुना को अपने टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर कहा जाता था, और प्रेजेंट की जो टाइमलाइन चल रही है जेजेके के अंदर, उसमें भी उसको द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन हिस्ट्री कहा जाता है। अब इस चीज को यहां से ध्यान से सुनना, आज के टाइम पे मतलब जेजेके की जो मेन टाइमलाइन चल रही है, उसमें सुकुना को एक कर्स्ड स्पिरिट कहा जाता है, और इसी के साथ साथ सुकुना को गोजो ने एक ह्यूमन भी बताया है। तो अब मेरा तुम लोगों से एक सवाल है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्या सुकुना एक ह्यूमन है या फिर एक कर्स्ड स्पिरिट। चोसो की तरह सुकुना भी आज की टाइमलाइन में कोई इंसान नहीं है। तो मेरे को तुम लोग ये बात बताओ, जब सुकुना एक टाइम पर कोई इंसान था, तो क्या वो आज के टाइम पर कर्स्ड स्पिरिट बन सकता है या नहीं? इस सवाल का जवाब तुम लोग मुझे कमेंट करके दोगे। अच्छा, तो तुम लोगों ने सुकुना की ट्रू फॉर्म तो देख ही रखी होगी, जिसमें उसके पास 4 हाथ और 20 फिंगर्स थे। इसी के साथ साथ उसके पास 4 आंखें भी थी, और उसके पास शायद 2 मुंह भी हैं। सीजन 1 के अंदर गोजो जब सुकुना के बारे में यूजी को बताता है, तो वो इस चीज को अच्छे से क्लियर करते हुए बताता है कि सुकुना एक टाइम पर जुजुत्सु वर्ल्ड के ऊपर राज किया करता था। उस टाइम पर सुकुना के पास 4 हाथ थे, 20 उंगलियां थी, 4 आंखें थी, और साथ में 2 मुंह भी थे। अपने इस अपीयरेंस की वजह से सुकुना काफी ज्यादा डेंजरस दिखता था, और काफी ज्यादा डेंजरस खतरनाक वो है भी। लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है या फिर जानने की कोशिश करी है कि सुकुना के पास आखिर 4 हाथ आए कैसे, और सबसे बड़ी बात क्यों आए? भले ही उसकी उंगलियां जुजुत्सु काइज़न के यूनिवर्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, लेकिन फिर भी उसके पास 20 उंगलियां आखिर थी ही क्यों? अभी जो जेजेके का सीजन 2 चल रहा है, उसमें लेटेस्ट में सुकुना अवेकन हो चुका है, और अब जो शिबुया इंसिडेंट का अगला एपिसोड आने वाला है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को जोगो और सुकुना की फाइट देखने को मिलेगी, जो की काफी ज्यादा भयंकर और मैसिव होने वाली है। इस फाइट में जिस लेवल का डिजास्टर होने वाला है ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। इसी फाइट में तुम लोग को आगे जाके देखने को मिलेगी सुकुना की एक और नई पावर, जिसमें वो पता नहीं कहां से आग को इकट्ठा करेगा अपने चारों तरफ, और उसी आग से बनाएगा एक एरो, और वो एरो चलाएगा जोगो के ऊपर, जिससे जोगो की ऐसी की तैसी हो जाएगी। मैं गाली नहीं दे रहा यहाँ पे। सुकुना की इस पावर को कहते हैं फ्लेम मैनिपुलेशन, लेकिन आज तक ये चीज अनक्लियर है कि सुकुना के पास ये फ्लेम मैनिपुलेशन आई कहाँ से, क्योंकि इस फाइट में जो जोगो है, उसके पास भी सेम पावर है। और इसी चीज को लेकर कई सारे लोग ये भी इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि सुकुना अपने ओपोनेंट्स की पावर को कॉपी कर सकता है, जस्ट लाइक यूटा। लेकिन ये चीज पूरी तरह से क्लियर नहीं है। अगर सुकुना की टेक्निक्स की बात हो रही है, तो इसकी टेक्निक्स में जो सबसे ज्यादा पावरफुल इसकी टेक्निक आती है, वो है इसका डोमेन एक्सपेंशन। सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन का नाम है मेलवोलेंट श्राइन। अब देखो, जापानीज में इसका क्या नाम है मुझे याद नहीं, लेकिन इंग्लिश में यही नाम है, और काफी ज्यादा कूल भी लगता है सुनने में। जितना ज्यादा इसका नाम कूल लगता है सुनने में, उतना ही ज्यादा बढ़िया और सुंदर लगता है इसका डोमेन एक्सपेंशन। जिस तरह के कलर्स का मिक्स करके इसका डोमेन एक्सपेंशन दिखाया जाता है ना, वो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। मन करता है कि उसी का स्क्रीनशॉट लेके वॉलपेपर लगा लूं, लेकिन मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है या फिर ना कोई कंप्यूटर। सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन जेजेके वर्ल्ड में काफी ज्यादा खतरनाक डोमेन एक्सपेंशन है, और कई सारे लोग तो इसको गोजो के डोमेन एक्सपेंशन जितना रिफाइन भी मांगते हैं। अगर तुम लोग को नहीं पता हो, तो सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन जुजुत्सु काइज़न वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा डोमेन एक्सपेंशन है, और काफी ज्यादा खास भी है। लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी इसके डोमेन एक्सपेंशन को ध्यान से देखा है? अगर तुम लोग इसके डोमेन एक्सपेंशन को ध्यान से देखोगे, तो तुम लोग को पता चलेगा कि इसके डोमेन का जो बेस है, वो दांतों से बना हुआ है। लेकिन इसका रीजन क्या है, वही बात है कि किसी को नहीं पता। इसके डोमेन एक्सपेंशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये मत भूलो कि इसने अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज करके सातोरू का डोमेन एक्सपेंशन तोड़ दिया था, और इसके डोमेन एक्सपेंशन की वजह से सातोरू को हारने में काफी ज्यादा हेल्प मिली थी। और जब सातोरू
गोरू की बात आ गई है तो चलो बात करते हैं गोजो वर्सेस सुकुना के ऊपर, जिसके बारे में काफी सारे लोग एक्साइटेड बैठे हुए हैं। देखो वैसे तो गोजो ऑफिशियली मर चुका है मांगा के अंदर, लेकिन कई सारे फैंस को अभी भी एक उम्मीद बाकी है कि गोजो मर नहीं सकता, गोजो वापस आएगा और सुकुना को पेल के जाएगा। और इसी चीज के ऊपर हमारा अगला सवाल आता है कि क्या गोजो को सुकुना मार सकता है या नहीं, क्योंकि देखो गोजो को जुजुत्सु काइज़न वर्ल्ड के अंदर द ऑनर्ड वन का खिताब दिया गया है और सुकुना को भी द किंग ऑफ कर्सेस का। लेकिन इसी के साथ साथ प्रेजेंट की टाइमलाइन में गोजो को लोग स्ट्रॉन्गेस्ट मानते हैं, सुकुना को नहीं। और जो इनकी फाइट चली थी उस फाइट्स के हिसाब से काफी सारे लोगों को अभी भी ये उम्मीद है कि अगले चैप्टर में और उसके भी अगले चैप्टर में गोजो पक्का वापस आएगा ही आएगा, और शायद ऐसा हो भी, क्योंकि गोजो की डेड बॉडी कहां गई किसी को भी नहीं पता। और इसी के साथ साथ ये सवाल भी स्टिल एक मिस्ट्री बन के रह चुका है कि क्या गोजो सातोरू सुकुना को हरा सकता है या नहीं। गोजो सुकुना को हरा पाएगा या नहीं इसका तो नहीं पता, लेकिन तुम में से काफी कम लोगों को ये चीज पता होगी कि सुकुना को आज तक हिस्ट्री में कोई भी इंसान हरा नहीं सका है। जब सुकुना अपने ह्यूमन फॉर्म में था तब वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था कि उसके टाइम के जितने भी ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर थे उसके सामने आने से भी डरते थे, क्योंकि सुकुना अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को खत्म कर देता था। इसके साथ साथ जितने भी सॉर्सरर आए सुकुना के सामने सुकुना से लड़ने, सुकुना ने सबको जान से मार दिया। लेकिन अपनी ह्यूमन फॉर्म में रहते हुए आज तक ये बात किसी को नहीं पता कि सुकुना को आखिर हराया किसने, और सुकुना आज के टाइम में जो 20 फिंगर्स में डिवाइड है वो आखिर 20 फिंगर्स में डिवाइड हुआ कैसे। अब फाइनली बात करते हैं सबसे आखिरी और सबसे बड़ी चीज के ऊपर, जो डायरेक्टली अपने किंग ऑफ कर्सेस को चैलेंज करती है। अगर सुकुना इतना ही बड़ा किंग ऑफ कर्सेस और इतना ही ज्यादा पावरफुल है तो वो आज तक यूजी की बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल क्यों नहीं पा सका। देखो सीजन 1 से हम लोग देखते आ रहे हैं कि सुकुना यूजी की बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कभी नहीं कर पाया, और सुकुना की बॉडी यूज करने के लिए सुकुना को यूजी से एक समझौता भी करना पड़ा कि देख बेटा जब भी मैं एक मिनट के लिए तेरी बॉडी मांगू तो तुझे देनी पड़ेगी, बदले में मैं तेरी जान बचा के रखूंगा हमेशा के लिए। और यही चीज सुकुना को डायरेक्टली चैलेंज भी करती है कि सुकुना अगर तू इतना ही बड़ा किंग ऑफ कर्सेस है तो तुझे यूजी की परमिशन की क्यों जरूरत पड़ी, तेरे पास अगर इतनी ही ज्यादा पावर्स है, तेरे पास इतने ज्यादा कर्सेज हैं तो तूने आज तक यूजी की बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल क्यों ही नहीं कर लिया। इस चीज का जवाब आज तक किसी के पास भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि सुकुना के पास भी होगा। अगर तुम्हारे पास है तो कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी बस यार इन सवालों में से जितनों के जवाब तुम्हारे पास हैं और अगर तुम्हें पता है इनमें से किसी भी सवाल का जवाब तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी बस यार यही थी आज की वीडियो, आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में हगो, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम इस वीडियो को शेयर कर दो, वैसे भी रीच काफी ज्यादा डाउन हो गई है।